हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो इस पे बना रहे हैं कि YouTube पे हम ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा व्यूज कैसे लाएं, क्योंकि जो स्टार्टिंग वीडियोज की होती है उस पे व्यूज कम आते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ाना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है। शुरुआती क्या होती है दोस्तों, हम लोग वीडियो डालते हैं और उसके बाद शेयर करते हैं। शेयर करने पे हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव हैं, उनके भी फ्रेंड्स, वो लोग देखते हैं उनको कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वो लोग सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, और दो चार वीडियो जब हम कंटिन्यू शेयर करते हैं तो उनको भी बड़ा बोरियत होता है कि यार बार बार ये वीडियो शेयर करता है। वो देखते हैं थोड़ा सा आपके वीडियो पर, लाइक और कमेंट जरूर मार देते हैं, बेस्ट वीडियो, नाइस वीडियो। अधिकांश आपने देखा होगा जो आपके रिलेटिव होंगे, पक्का आपको लाइक और कमेंट जरूर देंगे ताकि आपको लगे कि वो वीडियो को देखते हैं। लेकिन दोस्तों बता दूं आपको, हकीकत ये है कि वो वीडियो देखते ही नहीं है। एक आध वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद नहीं देखते हैं। तो आपको बता दूं, यदि आपको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और व्यूज बढ़ाने हैं तो उसके लिए आपको अपना कंटेंट अच्छा, कोशिश करो जितना अच्छा हो उतना अच्छा आप अपना कंटेंट रखो। किसी का कंटेंट कॉपी मत करो, जो मार्केट में नया है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। कोशिश करो कि नया वीडियो आए, लोगों को पसंद आए, अच्छा वीडियो हो। उसमें ये मायने नहीं रखता कि कितनी अच्छी आवाज़ है आपकी, कितनी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन मायने ये रखता है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है। जैसे ही दोस्तों आपका कंटेंट अच्छा होगा, लोगों के यूजेबल वीडियो, वो वीडियो लोगों का यूज में आ जाए, उनको उससे लगे कि हाँ हमारा जो नेट खर्च हुआ, आजकल क्या है, नेट खर्च नहीं करना चाहता कोई, यदि उनका नेट खर्च हुआ है तो उस नेट का उनको फायदा हो। देखेंगे भाई अमित बड़ाना के वीडियो क्यों देखते हैं, इसलिए देखते हैं ना, मजा आता है भाई। जहाँ मजा आएगा, जहाँ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जहाँ पर उनको लगेगा हमारा वीडियो देखने का पर्पज ये था, उसको वहाँ पर प्रॉफिट हुआ, वहाँ से कुछ सीखा, तब तो आपके वीडियो पे उसने लाइक मारा, कमेंट भी किया और सब्सक्राइब किया, और बेल आइकन तभी प्रेस करेगा जब उसको लगेगा भाई आगे की वीडियो हमें देखने चाहिए, क्योंकि ये बंदा तभी सब्सक्राइब होगा, तभी व्यूज बढ़ेंगे। और हाँ एक बात और बता दूं, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई ब्लॉग्स देखना है तो मनोज दे भाई, मनोज दे भाई जो हैं उनके ब्लॉग्स देखिए, उनके वीडियोज देखिए, क्योंकि वो उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, उसके कंटेंट में दम है। लोग क्यों बार बार उसके वीडियो देखते, क्योंकि वहाँ पर जेन्युइन नॉलेज मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी मिलती है, इसलिए लोग वहाँ अपने वीडियो में अच्छी नॉलेज रखी है। आप फनी वीडियो बनाते हैं तो भाई किसी का कॉपीराइट मत हो, एक पता चला कि कॉपीराइट कर दिया, कॉपीराइट का मतलब समझते हैं, कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि किसी का म्यूजिक कॉपी ना हो, किसी की फोटो कॉपी ना हो, किसी का वीडियो कॉपी ना हो। यदि कॉपीराइट होगा तो भाई सीधा सा है, आपका चैनल जो है बंद हो सकता है, शुरुआती में तो आपको वार्निंग दी जाएगी कॉपीराइट का। तो दोस्तों ऐसा काम मत करना किसी का कॉपीराइट हो जाए। इसके अलावा किसी की कॉपी करना, मान लीजिए मार्केट में कोई भी वीडियो बार बार आ रहा है, आपने उसी वीडियो को बना के डाल दिया, कुछ उसमें नया क्या है, आप उसमें कुछ नया डालिए, यदि नया होगा तो आपके व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लोग ऑटोमेटिक शेयर करना चालू कर देते हैं कि भाई ये अच्छा है। कई लोग न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में कौन सा न्यूज़ सबसे ज़्यादा देखते हैं आज तक, द लल्लन टॉप, क्यों, क्योंकि ये लोग क्या है कि न्यूज़ अच्छी देते हैं, उसको बारीकी से शो करते हैं, बारीकी से समझा के बताते हैं, इसलिए वो लोग देखते हैं। यदि आपको व्यूज बढ़ाने हैं तो सबसे पहले अपना बिल्कुल बंद कर दें भाई। मैं शेयर करता था अपने वीडियोस को, हर एक वीडियोस को शेयर करता था, मैंने देखा मेरा व्यूज जो है 50-100 इससे ज़्यादा जाते ही नहीं है। अब मैंने आज से सोच लिया कि मैं वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगा, ना फ्रेंड्स के साथ, ना फेसबुक पर, ना ट्विटर पर, ना कहीं। तो दोस्तों करना क्या है आपको बता दूँ, आप अपने ही सेलफोन से वीडियो को कम से कम 5 बार 10 बार 20 बार जितनी बार भी आप देखो, आप खुद के फ़ोन से देखो। यदि आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आपके देखने से आपके व्यूज़ बढ़ेंगे,
जब तक आप मोनेटाइज नहीं होते हैं, मोनेटाइजेशन नहीं आपका होता है, तब तक आपके व्यूज काउंट किए जाएंगे, तब तक आपका टाइम भी काउंट किया जाएगा। और जब आपने 10-20 बार देख लिया है, अपने रिलेटिव के फ़ोन से देख लो, माता पिता के फ़ोन से देख लो, भाई बहन के फ़ोन से देख लो, किसी फ्रेंड के फ़ोन से देख लो, पूरा पूरा फुल वॉच उसको करो, तो क्या होगा, वीडियो ऑटोमेटिक व्यूज बढ़ जाएंगे। जब 10-20-25 व्यूज आपने खुद बढ़ा दिए, फिर इसके बाद आपने छोड़ दिया उसे ऐसे, तो आप देखोगे शाम तक या रात तक 4-5 व्यूज और बढ़ गए, पता चले 2 दिन में 100 व्यूज और बढ़ गए। तो इस टाइप से व्यूज ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ना चालू होते हैं। रहा सब्सक्राइब का, तो जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, लोगों को लगे ये बहुत ही यूजेबल है, तो वो कंटेंट लोगों को पसंद आने लगेगा और वो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये वीडियो हमारे काम का है। दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं, यदि मान लो आपको इंग्लिश सीखना है, तो आप इंग्लिश वाले चैनल पर क्यों जाते हैं, वहाँ क्यों सीखते हैं, उसके चैनल को सब्सक्राइब क्यों कर लेते हैं, इसलिए ना, ताकि इसके हर एक वीडियो हमें मिलें, ताकि हम हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखें। देखते हैं ना, इसमें केवल हमको टाइम देना है ना, फ्री है, बट हमारा जो नेट यूज होता है वो यूज हो, ना कि मिसयूज। हर कोई यूज करना चाहता है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो देखता है। यदि आपका वीडियो उसके ज़रूरत में है, तभी वो आपका वीडियो देखेगा, तभी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आप शेयर ना करें, आप खुद से अपने व्यूज बढ़ाएं, अपने कंटेंट को सुधारें। जरूरी नहीं कि आप महंगा महंगा एक DSLR कैमरा लें या फिर एक अच्छा सा माइक लें, नहीं, इतना कोई जरूरत नहीं। आपका मीडियम भी अगर क्वालिटी होगी तब भी चलेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक फ़ोन है, G7 फ़ोन है, मैं इसी फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। दोस्तों इस फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसी फ़ोन से मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो दोस्तों आप इस बात से बिल्कुल वाकिफ रहें कि आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देना है, आपका कंटेंट अच्छा हो, लोगों के काम का हो। बकाया आपके यदि वीडियो अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि आपको ऐसी ही चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको हर एक वीडियो मिले, और नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन मेरा काम है सही देना। आपको मैं सही इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर 500 रुपये खर्च कीजिए तो आपके व्यूज बढ़ेंगे, भाई मैं गलत एडवाइस नहीं दूंगा। आपका कंटेंट अच्छा होगा, ऑटोमेटिक 10-15 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपके। आप